हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पे लीड कोड पे मैक्स कंसेक्यूटिव वंस नाम के प्रॉब्लम के बारे में। तो इसके हम लोग यहाँ पे टोटल तीन अप्रोचेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई आपको बाइनरी एरे दी गई। बाइनरी एरे का मतलब वो एरे जिसमें या तो जीरो होता है या तो वन होता है, इसके अलावा और कोई भी डिजिट आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है आपको रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन एन एरे। और आपको ये एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन यहाँ पे बताने हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 110111 आपको यहाँ पे ये नम्स दी गई, नम्स नाम की आपको लिस्ट दी गई, ठीक है। इसमें आपके 01 पड़े हुए हैं। अभी आपको कंसेक्यूटिव वंस बताने हैं तो लगातार वन कितने आ रहे हैं। देखो एक तो ये आ रहा है लगातार, ये दो वन आ रहे हैं, इसके बाद ये लगातार तीन वन आ रहे हैं। तो आपको कौन सा ऐसा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस आपको दिख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं और यहाँ पे तीन लगातार दिख रहे हैं, तो कौन बड़ी वैल्यू, लगातार तीन कंसेक्यूटिव वंस मुझे नजर आए तो तीन मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक आपको ये कंसेक्यूटिव वन, अकेला कंसेक्यूटिव वन दिख रहा है, मतलब एक वन भी इसको मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई एक बार आया है। यहाँ पे दो बार वन आ रहा है, यहाँ पे एक बार वन आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार आया, तो मैंने कहा टू टाइम्स आया यहाँ पे कंसेक्यूटिव वंस मेरा। अच्छा, अब इसका कंस्ट्रेंट मुझसे कह रहा है कि जो आपके नंबर की जो एरेज की लेंथ 10 की पावर 5 हो सकती है। अब देखो जो बेसिक अप्रोच हो सकती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि भाई सिंपली आप क्या करो, आप किसी एक वैल्यू को यहाँ पे पकड़ लो। मैंने कहा कि भाई ये क्या होता है, ये मेरी एक एरे ही तो है, एक एक तरह से आप इसको एरे समझ सकते हो ना, लिस्ट एरे एक ही बात होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मतलब पाइथन में हम लोग इसको बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही बात होती है, थोड़ा सा अलग भी होता है। मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अब आप ये बताओ सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है। भाई मैं कहता हूँ ऐसा करो आदर्श, तुम पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी इसको पकड़ के फिक्स कर दो, इसके बाद से एक और लूप चलाओ और चेक करो कि इसके बाद लगातार क्या वन आ रहे हैं क्या। अच्छा, इसको आप करेंगे कैसे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोल दिया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने जे लूप चलाया, क्या ये वन है, हाँ भाई ये वन है। अच्छा, तो काउंट की वैल्यू एक बढ़ गई, और क्या ये वन है, नहीं ये वन नहीं। इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि हम लोगों ने क्या करना है कि एक लूप चलाना है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके फाइनल एन तक चलेगा, जो मेरी लेंथ ऑफ एरे है। इसका एक जे लूप चलेगा, वो कहाँ से चलेगा, i+1 से चलेगा, और ये भी आखिर तक जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब तक हमें लगातार वन दिख रहे हैं तब तक हम जे को बढ़ाते जाएं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा आई की वैल्यू अगली पकड़ेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे क्या लगातार बना रहे हैं कि नहीं, और इस तरह से हम लोग इसको एन स्क्वायर टाइम पे, बिगो ऑफ एन स्क्वायर टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट सवाल ये कि ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और इसको हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि लीड कोड पर अगर आप एन स्क्वायर वाली अप्रोच चलाओगे तो आपका चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, उसका मैं रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे आपको दिया गया है कि मैक्सिमम लेंथ आपकी हो सकती है 10 to the power 5। तो अगर मैं कह दूँ, मान लो मेरे लिस्ट में 10 की पावर 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो अगर मैं एन स्क्वायर वाली अप्रोच लगाऊंगा तो एन की जगह 10 की पावर 5 रखो, तो 10 की पावर 5 की पावर 2, इसका मतलब 10 की पावर 10 ऑपरेशन लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बट लीड कोड आपको 1 सेकेंड में 10 की पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने को ही देता है, ठीक है। तो इसका मतलब एन स्क्वायर में तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि एन स्क्वायर में नहीं हो पाएगा तो ये कितने में होगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे कोई लॉजिक सोचो जो एन लॉग एन वाला हो या फिर एन वाला हो। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो होगी यहाँ पे बची हुई दो अप्रोचेस की। एक अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, वो है एन स्क्वायर वाली, जो कि मैं इंप्लीमेंट करके नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत सिंपल अप्रोच है। बची दो अप्रोचेस हैं उनको देख लेते हैं, ये दोनों कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिगो ऑफ एन में ही इनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और इसका लॉजिक जो है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले वाली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 110111, तो अभी मैं इसको दोबारा से एक लिस्ट में कन्वर्ट करके इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ जल्दी से, ताकि हम लोग इसके लॉजिक को समझ पाएँ। अच्छा, अब आपके कजरारे नए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भाई सबसे पहले जब आप काउंट करते हो, खुद आपकी आंखें किस तरह से काम कर रही हैं। आप यहाँ पे आए और एक आपने काउंट की वैल्यू यहाँ बना रखी, काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जो काउंट कर लेगा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने मेरे नंबर ऑफ वंस हैं। और एक होगा मैक्स काउंट या मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टोर करेगा कि अभी तक जितना हमने एरे देखा है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वंस हैं। अच्छा, दोनों की वैल्यू इनिशियली मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे माइनस फ्लोट INF होगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि जिसको पाइथन है माइनस फ्लोट INF से यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट होगी। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम पहले इधर आए इस एलिमेंट पर, ये वन है, वन है, तो मैंने तुरंत के तुरंत काउंट की वैल्यू को कितना बढ़ा दिया, काउंट की वैल्यू को मैंने कह दिया वन, तो काउंट की वैल्यू हो गई वन। और उसी समय पर तुरंत मैक्सिमम की वैल्यू भी मैंने क्या कर दी, वन कर दी। अच्छा, कि अभी तक मैक्सिमम मुझे वन एक एक ऐसा लगातार वन मिला हुआ है,
जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव है, और काउंट की वैल्यू तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अच्छा, फिर अगला वैल्यू उठाई, ये भी 1 है। जैसे ही ये 1 मिला, इसका मतलब अब मुझे लगातार 2 1 मिल चुके हैं, तो काउंट की वैल्यू को मैं कह दूंगा यहाँ पे 2, की लगातार 2 1 मिल चुके हैं, और तुरंत मैक्सिमम भी मैं कह दूंगा कि हाँ आंसर मेरा 2 आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने तीसरा एलिमेंट उठाया और ये निकला 0। जैसे ही ये 0 निकला, इसका मतलब है जो इससे पहले मेरे 2 1 आ रहे थे वो कहाँ पे स्टोर थे, मेरे काउंट में स्टोर थे, बट अभी यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पहले से लगातार 1 की यहाँ पे स्ट्रिक चली आ रही थी, लगातार 1 आ रहे थे, वो अब वो हमारी स्ट्रिक टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। 0 आ चुका है तो मैं अब काउंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने काउंट के लिए को 0 कह दिया। अच्छा, अब मैंने दोबारा अगला एलिमेंट बनाया, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही 1 आ गई तो तुरंत मैंने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, मैंने कहा काउंट अभी तुम्हें एक और 1 मिल चुका है। और जैसे ही ये मिला, मैं मैक्सिमम की वैल्यू चेक करूँगा, मैक्सिमम में 2 आएगा कि 1 आएगा, तो मैक्सिमम तो अभी भी मेरा 2 है, तो 2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, अगली वैल्यू उठाई, ये भी 1 है, 1 है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू एक और बढ़ गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, तो मैक्सिमम भी अभी तक कितना है मेरा, 2 ही है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगली बार मैं एक और वैल्यू उठाऊंगा, ये हो जाएगा 1, ये 1 है, इसका मतलब काउंट तुम्हें एक और 1 मिल गया लगातार, तो काउंट की वैल्यू होगी लगातार 3, क्योंकि यहाँ पे 3 हमें मिल गया ना लगातार, तो काउंट की वैल्यू होगी 3। तो मैक्सिमम क्या हो गया, 2 है कि 3, तो मैक्सिमम हो जाएगा 3, तो अब जाके मैक्सिमम यहाँ पे हमारा चेंज होकर 3 हो जाएगा, और फाइनली हमारी एरे खत्म हो जाएगी। तो उस समय पे हमारा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ चुकी, 3 आ चुकी। तो ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, यही लॉजिक आपने दिमाग आपके दिमाग ने भी लगाया था इसको सॉल्व करने के लिए, और यही इसकी बेसिक अप्रोच भी है जो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखेंगे भी और आपका चल भी जाएगा। तो हम लोगों ने करा कि हम लोग को एक बार इस पूरी एरे में ट्रेवल्स करना है। इसके बाद मुझे हर एक इंडेक्स पे, हर एक आई इंडेक्स पे मुझे कुछ एलिमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, मेरे लिस्ट का आई एथ इंडेक्स। इस तरह से आप उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर ये 1 है, अगर मेरी वो वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि हम काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। अच्छा, अगर हम काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे, तुरंत हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, हम कह देंगे कि जो रिजल्ट है मेरा, रिजल्ट में क्या आ जाए, रिजल्ट में आ जाए मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा काउंट। उस समय जो काउंट की वैल्यू है वो, और फाइनल जो मेरा रिजल्ट है वो, उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसी को निकाल के रखो यहाँ पे। अच्छा, और मान लो कि अगर मेरा ये इंडेक्स इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो 1 नहीं है, अगर वो 0 है, अगर वो 0 है तो हम लोग काउंट की वैल्यू को क्या कह देते हैं, 0। तो मैं कहता हूँ अदरवाइज काउंट की वैल्यू को क्या कह दो, 0 कह दो। तो ये जो लॉजिक है इसको अगर आप लूप के अंदर चला के अगर इसको रन करोगे तो आपका कोड यहाँ पर चल जाएगा। तो देख लेते हैं, तो मैंने क्या बोला कि अभी तक जो मैक्सिमम काउंट होगा यही मेरा जो है आंसर होने वाला है। तो मैंने कहा मैक्सिमम काउंट की वैल्यू भी मैंने 0 सेट कर दी है, काउंट की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ पे उठाता हूँ, एक एक एलिमेंट को जब मैं उठाऊंगा तो मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास वो एलिमेंट 1 है, अगर वो एलिमेंट 1 है तो काउंट को तुरंत कह दो कि हाँ देखो हमें 1 1 मिल गया है, तो तुम अपनी वैल्यू बढ़ा दो। तो काउंट ने अपनी 1 वैल्यू बढ़ा दी। इसके बाद तुरंत बाद मैं चेक कर लूँगा कि अगर कभी काउंट की वैल्यू बड़ी हो जाती है मैक्स काउंट से, तो मैक्सिमम काउंट क्या हो जाए मेरा, काउंट हो जाए। अब यहाँ पे जो मैंने 2 लाइन लिखी है, इसकी जगह पे मैंने आपको ऊपर क्या समझाया है, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप लिख सकते हो, देखो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो कि मैक्स काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स किसका, मैक्स काउंट कॉमा काउंट। तो यहाँ पे 1 लाइन लिख दोगे, 1 लाइन वही चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मान लो कि आई की वैल्यू कभी 1 नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत काउंट की वैल्यू को सेट कर देंगे 0। तो यहाँ पे लगातार हम लोग देखेंगे भाई ये लूप हमारा लगातार चलेगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू हम एक एक बढ़ा रहे हैं, तो काउंट से हम कह रहे हैं कि हाँ लगातार हमें 1 मिलते जा रहे हैं, तो अपनी वैल्यू बढ़ाते जाओ। उसी मोमेंट पे हम हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को भी चेक करते जाएंगे कि हाँ कितने अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आए हैं। कभी भी अगर मेरे 1 के आने की स्ट्रीक टूट जाती है, कभी कभी 1 के बाद कभी 0 आ गया, तो उस केस में हमारा एल्स चलेगा, हम कह देंगे चलो फिर एक नया फ्रेश काउंट जो है वो उसको 0 कर, तो दोबारा से काउंट करना चालू करो, तो हो सकता है इसके बाद दोबारा से 1 आने चालू हो जाए शायद, है ना। तो ये हमारा लॉजिक है, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे मैक्स काउंट। अच्छा, अब सेम जो अप्रोच यहाँ पे देखी, इसकी यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अप्रोच हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो भी हम लोगों ने देखी है तो एंड टाइम में आपका चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, एरे को सिर्फ एक बार ही ट्रेवल्स कर रहे हो। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको किसी और नज़रिए से देखो, इसका एक और नज़रिया क्या हो सकता है देखने का, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ को यहाँ से पहले एक बार रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पर ये बड़ी सी एरे दी गई है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप यहाँ पे देखो कि लगातार 2 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो आंसर ये होगा 2 होगा, या तो आंसर यहाँ पे 3 होगा, बट 0 से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका आप एडिशन करना चालू करो, सम करना चालू करो। ये 1 है,
वन एस डी टी सही रख दो, ये वन है तो वन प्लस वन कितना हो गया, अभी तक सम कितना हो गया, टू हो गया, समझ रहे हो। और जहाँ जीरो आ जाएगा जीरो के नीचे एज इट इज जीरो लिख दो। अच्छा फिर वन आया तो मतलब अभी तक का सम कितना हो गया, वन प्लस जीरो मतलब वन, इसके अभी तक सम कितना आ गया, वन प्लस वन मतलब टू, और अभी तक सम कितना आ गया, वन प्लस टू मतलब थ्री। अब आपके पास जो फाइनल ये दूसरी वाली लिस्ट बनेगी इसमें देख लो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू थ्री, मतलब यही मेरा आंसर है। तो मैं इस पर कैसे आया, मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो सम निकालना है तो सम जब आप निकालोगे एलिमेंट्स का थोड़ा सा चेंज करके निकालोगे। कैसे चेंज करके निकालोगे, मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट अगर जीरो है तो जीरो एज इट इज लिख दो, अगर वन है वन एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ जो अगला एलिमेंट होगा अगर वो वन है तो आप उस वाले एलिमेंट को उठाओ और उसके पीछे वाले एलिमेंट को उठाओ दूसरे वाले के, और उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो। अच्छा अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब जीरो को एज इट इज लिख दो, जीरो में आपको पीछे वाले एलिमेंट से वैल्यूज नहीं उठानी है। वन आ रहा है तो वन प्लस जीरो आ जाएगा वन, वन प्लस वन आ जाएगा टू, टू प्लस वन आ जाएगा थ्री। तो ये जो मैंने लॉजिक लिखा है इसमें आप एक सम बना के क्यूमुलेटिव सम टाइप का निकाल लो, बट थोड़े से यहाँ पे कंडीशन अलग है। क्यूमुलेटिव सम में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो जीरो है, ठीक है, जीरो के केस में यहाँ पे जीरो डाल देना है। अच्छा अगर नहीं भी डालेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, उसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मान लो इसका मैंने एक और यहाँ पे अरे मैंने वन का वन था, वन प्लस वन हो जाएगा टू, टू प्लस जीरो हो जाएगा टू, टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर, फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव। तो अगर आप सिंपली क्यूमुलेटिव सम निकालोगे तो आंसर आपका मैक्सिमम फाइव आएगा। तो ये आप अगर सिंपली ऐसे निकालोगे तो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है नंबर ऑफ वंस, जबकि ये हमें नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जब भी हम इसको बनाएंगे तो अगर हमारे पास जीरो का भी आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग पिछले से ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सिंपली जीरो रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, जीरो रख दिया। अच्छा अब यहाँ पे दोबारा वन आया तो अब मैं क्या करूँगा, वन प्लस जीरो मतलब वन, फिर वन प्लस वन मतलब टू, टू प्लस वन मतलब थ्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी अप्रोच भी यहाँ पे हम लोग जो अभी बात करी है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा करो कि कुछ भी मेरे पास नंबर दिया, क्या दिया है, वन वन जीरो वन वन वन, ये दिया क्या था, इसको मैं यहाँ पे इस वाले कोड के साथ ड्राई रन करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाउट ना हो। तो जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे नम्स दी गई है, यही मेरी नम्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ पहले इंडेक्स से चलो और आखिर तक चलना है, तो आई की वैल्यू पहले, आई किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसे। अच्छा मैं कह रहा हूँ क्या यहाँ पे वन पड़ा है, हाँ भाई यहाँ पे वन पड़ा है, तो यहाँ पे क्या रख दो, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन मतलब वन प्लस वन मतलब टू, तो यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे रख दो टू। अच्छा फिर दोबारा से मैंने क्या करा, दोबारा लूप चला, अब आई जो है किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, आई अभी यहाँ पे वन पे था, अब आई जो है यहाँ पे टू को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर मैंने चेक करा क्या नम्स ऑफ आई पे वन पड़ा है, नहीं भाई नम्स ऑफ आई पे जीरो पड़ा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, दोबारा आई की वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगी, तो मैंने जीरो को यहाँ पे इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री, फिर मैं चेक करूँगा क्या नम्स ऑफ आई पे वन पड़ा है, हाँ भाई यहाँ तो वन पड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन मतलब जीरो प्लस वन मतलब यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अच्छा इसके बाद आई की वैल्यू मेरी और आगे बढ़ी जाएगी, तो मैंने कहा आई की वैल्यू हो गई इंडेक्स नंबर फोर पर, क्या यहाँ पे वन पड़ा है, हाँ भाई यहाँ पे वन पड़ा है, तो नम्स ऑफ आई क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन मतलब वन प्लस वन मतलब टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या आगे एक और बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव, फिर चेक करेंगे क्या यहाँ पे वन पड़ा है, हाँ भाई यहाँ पे वन पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस इसके पहले वाला मतलब टू, तो यहाँ आ जाएगा थ्री, यहाँ पे क्या आ गया थ्री। और फाइनली हम लोग के पास अगर ये एरे आ गई तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इसे हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम लिख देंगे यहाँ पर रिटर्न मैक्स ऑफ नम्स, तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कोड की यहाँ पे तीन अप्रोचेस देखी हैं। पहली अप्रोच तो वो जिसमें हम लोग को एन स्क्वायर टाइम लग रहा है एक एलिमेंट फिक्स करके, बाकी बचे हुए एलिमेंट पर लूप लगा के चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वंस होंगे। दूसरी अप्रोच देखी यहाँ पे बिगो ऑफ एन टाइम में इसको सॉल्व करा था, और तीसरी अप्रोच देखी उसको भी बिगो ऑफ एन टाइम में सॉल्व करा था। यहाँ पे इन दोनों अप्रोच में जो भी आपको पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी पहली वाली अप्रोच में आपका सोल्यूशन टाइम लिमिट एक्सीडेंट दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स कंसेक्यूटिव वंस नाम की प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर लिया।